दोस्तों स्वागत है आपका रियल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैंने आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताया था तो आपको शॉर्ट ज़्यादा पसंद नहीं आई। खैर आप करते हैं, जैसे लॉन्ग वीडियोस आती थी वैसे ही आपको जो वीडियोस है वो मिलने वाली हैं। तो पहली अपडेट को भी शुरू कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रियल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर रियल न्यूज़ की जो वीडियोज़ है वो मिलती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे पहली अपडेट के बारे में। और आज की जो वीडियो है उसमें आपको बहुत सारी ऐसी अपडेट देखने को मिलेंगी जो ट्रेन्स के रिगार्डिंग है, क्योंकि बहुत सारी जो ट्रेनें हैं वो चलने वाली हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, जो ट्रेन्स है वो अब दिन प्रतिदिन हमें बढ़ते हुए दिख रही हैं। तो आज की जो पहली अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कहते हैं 017-05 और 017-06 ट्रेन नंबर के साथ चलने वाली जबलपुर और रीवा के बीच ऑपरेट होने वाली एक स्पेशल ट्रेन को लेकर। ये जो ट्रेन है आपको देखने को मिल जाएगी 24 जनवरी से। तो ये ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलने वाली है आपको 24 जनवरी से। इस ट्रेन में आप ट्रेवल कर सकते हैं और इसका जो रिजर्वेशन वगैरह है वो भी बस बहुत ही जल्द ओपन हो जाएगा, तो आप उसमें करा सकते हैं। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि आपको जबलपुर और रीवा के बीच में एक स्पेशल ट्रेन देखने को मिलने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, 055-53 और 055-54 जो कि एक स्पेशल ट्रेन है भागलपुर और जयनगर के बीच में चलने वाली है। ये जो स्पेशल ट्रेन है आपको देखने को मिल जाएगी बेसिकली 25 जनवरी से। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी ट्रेन हो सकती है, भागलपुर और जयनगर के बीच में ये जो कनेक्टिविटी है वो देने वाली है। और इस ट्रेन का जो टाइम टेबल वगैरह वो आ चुका है, ये कुछ नई तरीके की ट्रेन है, मतलब ऑलरेडी जो ट्रेन चल रही थी उसकी जैसी नहीं है, मतलब कोई नई ट्रेन ही चलाई गई है ऐसा जो बताया जा रहा है। तो आप इस ट्रेन में जो रिजर्वेशन है वो करा सकते हैं, इसके लिए भी जो बुकिंग है वो शुरू हो चुकी है। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि भागलपुर और जयनगर के बीच में भी आपको ये स्पेशल ट्रेन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, 092-69 और 092-70 ट्रेन को लेकर। ये ट्रेन पोरबंदर और मुजफ्फरपुर के बीच में ऑपरेट होने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो ये पोरबंदर और मुजफ्फरपुर वाली जो ट्रेन है वो आपको देखने को मिल जाएगी 21 जनवरी से। तो 21 जनवरी से इस ट्रेन में भी आप ट्रेवल कर पाएंगे, इसके लिए जो रिजर्वेशन वगैरह है वो भी ओपन हो चुके हैं, तो आप इसमें जो अपना रिजर्वेशन है वो करा सकते हैं। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि आपको एक और जो ट्रेन है वो देखने को मिलने वाली है। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, एक नई ट्रैक को लेकर आपको एक नई लाइन देखने को मिल सकती है जो कि करनाल और यमुना नगर के बीच में होने वाली है। इसके ऊपर जो प्लानिंग वगैरह है वो चल रही है और इसका एक प्रपोजल भेजा गया है रेलवे बोर्ड को। अगर ये नया ट्रैक बनता है तो इस ट्रैक के माध्यम से जो हरिद्वार वाली ट्रेन है उनको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है, मतलब वो मेरठ को स्किप कर सकती है अगर वो चाहें, और दिल्ली हो तो है वो आ सकती है, मतलब दिल्ली से पानीपत करनाल वाला जो रास्ता है उसके माध्यम से ट्रेनें फिर हरिद्वार भी पहुंच सकती हैं, और दिल्ली से जाएंगे तो उनको गाजियाबाद नहीं आना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो सकता है इन फ्यूचर। तो इसके लिए जो अभी प्रपोजल है वो भेजा गया है, इस ट्रैक को करनाल से निकाला जाएगा और करनाल में बेसिकली एक खुर्द करके जगह है वहाँ से वो ट्रैक निकलेगा और बाद में यमुना नगर जगाधरी पर वो जुड़ेगा। तो इस तरीके से यमुना नगर जगाधरी जंक्शन बन जाएगा और करनाल भी जंक्शन ही कहलाएगा बेसिकली। हो सकता है जो यमुना नगर है, यमुना नगर रेलवे स्टेशन है वो जगाधरी वर्कशॉप नहीं, यमुना नगर जगाधरी जो रेलवे स्टेशन है वो होगा जंक्शन। तो इस तरीके से जंक्शन बन जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। हरिद्वार से आने वाली जो ट्रेन है वो इसके माध्यम से, यानी यमुना नगर जगाधरी से, और जो रुड़की वाली लाइन है रुड़की के बाद में जो उन्हें टपरी होकर जाना पड़ता है उस बाईपास को भी ना लेकर वो आगे जाकर पास ले सकती हैं और बाद में वो करनाल होते दिल्ली पहुंच सकती हैं, और बाकी मेरठ वाला रूट तो अभी भी है ही। तो इस तरीके की जो प्लानिंग है वो चल रही है, प्रपोजल भेजा गया है, देखते हैं क्या होता है। अगर ये होता है तो आपको यहाँ पर एक नया ट्रैक देखने को मिल सकता है। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि आपको यहाँ पर एक नया ट्रैक देखने की जो उम्मीद है वो लग रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, कोविड कोच को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोरोना वायरस आया तो उसके बाद में रेलवेज ने अपने जो कोच थे उनको कोविड केयर कोच में बदल दिया, यानी कि जो आइसोलेशन कोच थे उनमें बदल दिया। अभी फिलहाल इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है ट्रेन्स के ऑपरेशन को ही लेकर। आप देख रहे हैं जो ट्रेन्स है वो नहीं चल रही हैं। तो अभी फिलहाल अभी मुरादाबाद डिवीज़न की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आता है, और क्लैरिफिकेशन ये है कि फिलहाल अभी जो DRM साहब हैं उन्होंने कहा है कि जो ट्रेन्स है वो नहीं चल पा रही हैं क्योंकि जो कोच है वो अवेलेबल नहीं है। तो यही रीज़न है कि आपको जो कलिंग उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन है वो नहीं देखने को मिली, क्योंकि उसके लिए अप्रूवल मिल चुका है लेकिन कोच नहीं है इसलिए नहीं चली। इसी तरीके से आपको जो लोहड़ी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है जो कि ऑपरेट होती है अमृतसर के बीच में और हरिद्वार के ही बीच में, तो वो भी ट्रेन आपको नहीं देखने को मिली, इसका भी यही रीज़न बताया जा रहा है। और देहरादून और कोचुवेली के बीच में चलने वाली जो ट्रेन है वो भी आपको नहीं देखने को मिली, और इसी तरीके से आपको काठगोदाम और देहरादून के बीच में चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी नहीं देखने को मिली। तो इन सभी का जो रीज़न है वो यही है कि जो कोच है वो अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ जो प्रयागराज और देहरादून के बीच में लिंक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है
वो भी आपको डेली अभी तक नहीं देखने को मिली है, क्योंकि जो रैक है वही अवेलेबल नहीं है। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि ये जो ट्रेन्स है वो आपको इसी वजह से नहीं देखने को मिल पा रही हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, मधेपुरा और पूर्णिया रेल सेक्शन से लेकर यहाँ पर DRM के द्वारा जो इलेक्ट्रिफिकेशन इंस्पेक्शन है वो किए गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको जल्द यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस इंस्पेक्शन के बाद में जो अपनी रिपोर्ट थी उनकी वो उन्होंने बनाकर भेज दी है रेलवे बोर्ड को। अब जो भी डिसीजन होगा वो तो खैर हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है सहरसा और दरभंगा रेल सेक्शन को लेकर। सहरसा और दरभंगा रेल सेक्शन बाया निर्मली आपको फरवरी 2021 में कंप्लीट होता हुआ देख सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, अभी बहुत टाइम लगने वाला है। तो लेकिन आपको इस साल के एंड तक हो सकता है इस सेक्शन पर जो ट्रेन का ऑपरेशन है वो होता हुआ दिख जाए, क्योंकि इसके लिए जो DRM इंस्पेक्शन है वो किए गए हैं और उन्होंने जिस तरीके से काम को देखा है परखा है उनके अकॉर्डिंग तो यही है कि जो काम है वो पूरा हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है, बट आपको यहां पर भी जो ट्रेनों का संचालन है वो हो सकता है बहुत जल्द पूरा होता हुआ दिख जाए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को जो रीडेवलप है वो किया जाएगा हम सभी जानते हैं। तो उसी के चलते जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक इमेज शेयर की है कि आने वाले समय में जो न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ऐसा तो हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कब तक होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जितनी जल्दी होगा हमें उतनी ही जल्दी बेहतर सुविधा देखने को मिलेगी। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा बदलाव भी इसके पीछे देखने को मिलेंगे, बट कोई बात नहीं कि जो डेवलपमेंट है अगर वो हो रहा है तो उसमें अच्छी बात हम कह सकते हैं, इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो ये अपडेट है कि आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन काफी बेहतर देखने को मिलेगा आने वाले समय में, और CSMT जो कि छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनस है उसको भी रीडेवलप किया जा रहा है। तो ये अपडेट है कि दोनों ही रेलवे स्टेशन आने वाले कुछ ही सालों में बहुत बेहतर हमें देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है ट्रेन को ही लेकर। एक ट्रेन बांग्लादेश गई है बेसिकली, तो ट्रेन गई है बांग्लादेश और ये जो थी ये 60 कंटेनर कोच की थी, मतलब 60 कंटेनर थे टोटल मिला के, और ये 60 कंटेनर गए हैं जिसमें गए हैं चावल। तो ऐसी बात पहली बार हुआ है कि ट्रेन के माध्यम से जो चावल हैं वो बांग्लादेश भेजे गए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब रेलवेज ने अभी काफ़ी कुछ भेजा है बांग्लादेश को, अब वो चावल भी भेजने लग गया है ट्रेन से। अभी तक जो चावल थे या फिर जो अभी तक चावल थे वो ट्रक वगैरह से जाया करते थे, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा समय लगता था और कॉस्ट भी ज्यादा रहती थी, बट अभी समय सिर्फ 24 से 25 घंटे लगेंगे और कॉस्ट तो जाहिर सी बात है बहुत कम हो जाएगी। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि जो चावल वाली ट्रेन है वो दुर्गापुर से गई है और ईश्वरपुर करके ऐसे कुछ करके नाम है, लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो बांग्लादेश में है, तो वहां जो ये चावल वाली ट्रेन है वो गई है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आते हैं, 123-11 और 123-12 जो कि कालका मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। अब कालका मेल एक्सप्रेस ट्रेन का भी जो नाम है वो बदल दिया गया है, कालका मेल एक्सप्रेस ट्रेन अब आपको देखने को मिल जाएगी नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से, क्योंकि उनको मतलब उनका जो उस ट्रेन का जो नाम है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया है। तो अब आपको कालका मेल जो काफी ज्यादा पुरानी और प्रसिद्ध ट्रेन है आप कालका मेल के नाम से नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका जो नाम है वो अब नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन कर दिया गया है। तो ये अपडेट निकल कर आती है, इसमें आप ट्रेवल करेंगे तो आपको ये जो बदलाव है वो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन से लेकर। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन से चलने वाली 10 ट्रेनों में आपको जो टिकट है वो आधे घंटे पहले भी अवेलेबल हो पाएगा। तो ये अपडेट निकल कर आती है, हालांकि ये जो 10 ट्रेनें हैं वो कौन सी है इसके बारे में तो खैर मुझे पता नहीं चल पाया है, पता चल जाएगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। और ये जो 10 ट्रेनें हैं इनमें आपको आधे घंटे पहले भी जो रिजर्वेशन है उनको करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि हम सब जानते हैं ट्रेनें में जब सीटें खाली रह जाती हैं तब करंट में जो टिकट वो खोल दिया जाता है, तो यहां पर भी सेम वही कंडीशन है कि करंट वाला टिकट हो सकता है यहां पे ना खोला जाए, डायरेक्ट जो रिजर्वेशन है वही रखा जाए। और इसमें कंडीशन वही है कि जो टिकट है वो अवेलेबल होना चाहिए, अगर टिकट अवेलेबल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है नॉट अवेलेबल लिख कर आ जाएगा, बट अगर सीट्स अवेलेबल रहेंगी तो हो सकता है कि करंट में ना खोली जाए, जैसे नॉर्मल बुकिंग चलती है वैसी चलती रहे और आधे घंटे पहले ही चार्ट प्रिपेयर किया जाए। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि यहां से चलने वाली ऐसी जाहिर मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकंड सीटिंग वाली व्यवस्था है वो रेलवेज काफ़ी समय तक कंटिन्यू रखने वाला है, और अगर कंटिन्यू रखे तो काफ़ी अच्छी बात है। बस क्या है कि उसको जो अपने सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा,
जिसके चलते आपको जो टिकट है, मतलब आप 15 मिनट पहले भी टिकट बुक कर पाएं। अगर ऐसा हो जाए तो कोई भी परेशानी नहीं है, जनरल टिकट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको एक टिकट मिलेगा और वो टिकट ऐसा होगा कि आप बैठकर यात्रा कर पाएंगे। अदरवाइज जनरल टिकट का तो जानते ही हमें क्या बुरा हाल रहता था, तो अगर सेकंड सीटिंग ही चलता रहा तो मैं तो अच्छा ही कहूँगा, मैं तो इसमें कोई भी बुराई बात कहने वाली बात ही नहीं है। बट जो टिकटिंग सिस्टम है उसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, खासतौर पर जितने भी स्टेशन है वहाँ पर हर ट्रेन का 15 मिनट पहले तक का चार्ट अवेलेबल होना चाहिए। बस क्या करना पड़ेगा, रेलवेज को अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अपना जितना भी डिजिटल सिस्टम है उसका, उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे और उसके बाद में हमें ये जो चीज़ है वो पॉसिबल देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी से लेकर, स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास में केवड़िया रेलवे स्टेशन बना है, इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है, आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पर विस्टाडोम कोच वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भी चला दी गई है, तो इन विस्टाडोम कोच में आप ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि अगर आप यहाँ पर ट्रैवल करने वाले हैं और इसमें टिकट आप कराएंगे तो आपको टिकट एग्जीक्यूटिव चेयर कार के अलावा एग्जीक्यूटिव अनुभूति नाम से जो कोच है वो देखने को मिलेगा, और यही विस्टाडोम कोच है। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि विस्टाडोम कोच आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे, जिसके चलते आप और भी बेहतर तरीके से जो इस पूरे सेक्शन का एंजॉयमेंट है वो ले पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आते हैं एक और नई रेलवे लाइन को लेकर, आपको पतनचेरू और मेडक के बीच में जो कि बाया सांगा रेड्डी होकर जाएगी, इसके बीच में भी एक जो नया ट्रैक है वो हो सकता है देखने को मिल जाए। हालांकि इस ट्रैक को बनाने में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 1700 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो आने वाला है। तो ये अपडेट है कि इसका जो एक्सटेंशन वगैरह है वो होगा या नहीं होगा वो तो देखते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल हो पाया तो आपको पतनचेरू और मेडक के बीच में भी जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये अपडेट अभी तो यही है कि ऑन पेपर है, रेलवे बोर्ड को अभी भेजी गई है, क्या उनका निष्कर्ष निकलता है, क्या वो डिसीजन लेते हैं, वो तो हमें आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती गुड्स ट्रेन को लेकर, समदयालु रेलवे स्टेशन के पास की घटना है, वहां पर जो गुड्स ट्रेन है उस कि जो कपलिंग है वो टूट गई है। कपलिंग टूटने की वजह से फिर ट्रेन लेट हुई है और उसके आगे पीछे की जितनी भी ट्रेनें थी उन पे भी काफ़ी ज़्यादा जो इफेक्ट है वो पड़ा है, जिसके चलते वो भी लेट हो गई हैं। तो बाद में कपलिंग को जोड़ा गया, ट्रेन को आगे रवाना किया गया। तो ये अपडेट है कि यहाँ पर जो गुड्स ट्रेन की कपलिंग है वो टूट गई है, जब ट्रेन चल रही थी तो उसी दौरान जो कपलिंग है वो टूट जाती है। हालांकि डिरेलमेंट नहीं हुआ, ये थोड़ी सी अच्छी बात यहाँ पर रही है। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट उसके बारे में बात कर लेते हैं, पैसेंजर ट्रेनों के ऑपरेशन को ही लेकर, पैसेंजर ट्रेनें हम सब जानते हैं कि नहीं चल रही हैं, कब तक चलेंगी कुछ पता भी नहीं है। तो अभी ऐसा कुछ अपडेट्स ही है कि जो पठानकोट और अमृतसर वाला रेल सेक्शन है वहाँ पर हो सकता है आपको जो पैसेंजर ट्रेन है वो देखने को मिल जाए, यानी कि पठानकोट और अमृतसर के बीच में जो पैसेंजर ट्रेन है वो देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायल्स वगैरह हैं वो लिए जा रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो स्टाफ है वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और साथ ही साथ कुछ जरूरी सामान वगैरह वो ले जाया जा रहा है। तो मतलब अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, अभी पैसेंजर ट्रेन का रैक आया है, तो हो सकता है कि अभी ऐसा ट्रायल ले रहे हों और बाद में आपको पैसेंजर ट्रेन देखने को मिल जाए। बट मुझे कोई भी कन्फर्मेशन ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको अभी पैसेंजर ट्रेन देखने को मिलेंगी। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।